स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले हाफ वेव रेक्टिफायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं रेक्टिफायर क्या है। तो यहाँ लिख लेंगे, रेक्टिफायर बेसिकली एक डिवाइस होता है। और ये डिवाइस कैसा होता है? इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है। इलेक्ट्रिकल डिवाइस जैसे हमारा फैन वगैरह ना, वो सब चीज़ें इलेक्ट्रिकल होते हैं। मतलब जो चीज़ें एसी करंट को एज ए इनपुट लेते हैं, हम उनको इलेक्ट्रिकल कहते हैं, ठीक है। और जो चीज़ें डीसी को एज ए इनपुट लेता है, उनको हम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। तो रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, क्योंकि ये एसी इनपुट लेता है, इनपुट एज ए एसी लेता है, फिर वो आउटपुट डीसी देता है, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन इनपुट क्या लेता है? इनपुट लेने के हिसाब से हम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक को डिवाइड करते हैं। तो रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। तो लिख देते हैं, इट इज़ अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस। एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। अगर कोई भी डिवाइस इलेक्ट्रिकल है, इसका मतलब क्या है? उसमें एसी रहेगा इनपुट, बराबर, एसी रहता है उसमें इनपुट। अब ये क्या करता है? एक डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो इट इज़ ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो एसी इनपुट लेता है एंड कन्वर्ट्स ऑल्टरनेटिंग करेंट, दैट इज़ एसी का मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग करेंट, इनटू डीसी, दैट इज़ डायरेक्ट करेंट। क्या बात है, क्लियर? ये होता है रेक्टिफायर। अभी ये जो रेक्टिफायर है, इसके अंदर कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं? इसके अंदर कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं? कॉम्पोनेंट्स तो इसके अंदर सिंपल सी एक ही चीज़ होती है, वो होती है डायोड। डन है क्या? अब ये डायोड है, डायोड के साथ साथ में, जैसे अगर हम लोग एसी के साथ वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर भी आता है, ठीक है। इसमें ट्रांसफार्मर भी होता है। ट्रांसफार्मर क्यों होता है? कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर यूज़ ही क्यों करना है। तो याद करो, जब मैंने तुम्हें पढ़ाया था ट्रांसफार्मर वाला टॉपिक, तो मैंने पढ़ाया था तुम्हें, अभी सपोज, अच्छा, ट्रांसफार्मर में मैंने क्या पढ़ाया था? हम ट्रांसफार्मर से वोल्टेज, मतलब पोटेंशियल और करंट को हम वेरी कर सकते हैं। मतलब अगर हम लोग पोटेंशियल हाई कर देते हैं, तो करंट का वैल्यू कम हो जाएगा। अगर हम करंट हाई कर रहे हैं, तो पोटेंशियल कम हो, मतलब कम करना पड़ेगा, नहीं नहीं क्या? तो असल में हम क्या करते हैं, ज़रा समझना। जैसे तुम मान लो, जैसे तुमने अपने घर में यूज़ किया होगा, तो हमारा जो घर का सप्लाई है, वो 240 वोल्ट का है। क्या बात है, क्लियर? 240 वोल्ट का है। लेकिन हमारा जो मोबाइल है ना, जो हमारा मोबाइल होता है, वो खाली मान लो 20 वोल्ट का सप्लाई लेता है। तो इस 240 को पहले 20 कैसे कन्वर्ट करता है? पहला बात, मोबाइल डीसी करंट पे चलता है, और ये 240 को 20 वोल्ट बनाना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक रेक्टिफायर लगाते हैं। अब ये रेक्टिफायर क्या करता है? रेक्टिफायर, चलो भाई डीसी में, तो जो एसी पार्ट है, एसी को तो डीसी में कन्वर्ट कर लेगा। लेकिन ये पोटेंशियल क्या है? यहाँ तो रियल एसी में 240 आ रहा है, लेकिन हमें तो 20 चाहिए। तो इस पोटेंशियल को डाउन करने के लिए या बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। तो हमेशा याद रखना, रेक्टिफायर के अंदर एक ट्रांसफार्मर इस कंपलसरी है। एक इसलिए यूज़ होता है, बोलने से लिख देंगे, एज डीसी कैन नॉट चेंज इट्स पोटेंशियल पोटेंशियल एंड मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ करेंट, सो आर ट्रांसफार्मर इज अटैच्ड बिफोर डायोड, सो दैट बिफोर कन्वर्टिंग एसी इनटू डीसी, नेसेसरी मैग्नीट्यूड कन्वर्जन मैग्नीट्यूड नेसेसरी मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल इज अचीव्ड, पोटेंशियल इज अचीव्ड। सिंपल सी भाषा, मतलब बातें, मतलब सिंपल अगर बता दें, तो एसी में सपोज 240 का पोटेंशियल आ रहा है, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर हम यूज़ करते हैं जो कि स्टेप डाउन कर देता है। तो 240 को क्या कर देता है? आपका पोटेंशियल लो करके, वॉट एवर, मतलब 240, मतलब 240 को आपका 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, 100 वोल्ट, जो भी हमें रिक्वायर्ड पड़े, तो उस तरह कर लेते हैं। सिमिलरली, अगर मुझे 240 वोल्ट को स्टेप अप करना है, पोटेंशियल हाई करना है, तो फिर से मैं वहाँ पे एक स्टेप अप पोटेंशियल, मतलब ट्रांसफार्मर लगा के मैं उसको पोटेंशियल हाई कर दूंगा। हाई करने के बाद मैं उसको ट्रांजिस्टर से पास करवा दूँ, मतलब ये रेक्टिफायर से पास करवा दूंगा, डायोड के अंदर में से पास करवा दूंगा, तो फिर वो क्या बन जाएगा? देखो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये आ रहा है मेरे पे एसी सप्लाई, इसका मान लो 240 वोल्ट है। मुझे जो डीसी सप्लाई चाहिए, वो मुझे चाहिए 20 वोल्ट का डीसी सप्लाई। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगाया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ने क्या कर दिया, इसके पोटेंशियल को डाउन कर दिया सपोज 40 में, इसने पोटेंशियल को डाउन कर दिया 40 वोल्ट में।
और यहाँ मैंने लगवा दिया एक डायोड। ये डायोड ने क्या कर दिया, इस एसी जो ये जो ऑल्टरनेटिंग चीज़ था ना, इसको कन्वर्ट कर दिया एक सीधे लाइन में। पल्ले पड़ा क्या, तो यहाँ पे जो एसी था वही एसी अभी डीसी में कन्वर्ट हो चुका है। इसका जो मैग्नीट्यूड का कन्वर्जन था वो किसने कर दिया, ट्रांसफार्मर ने। और ये जो आड़ा टेढ़ा था ना, जो अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पीरियडिकली चेंज कर रहा था, उसको सीधा कर दिया अपने इस डायोड ने। क्या बात है, क्लियर है? तो अगर मुझे इस तरह पोटेंशियल डाउन करना है तो मैं यहाँ पे स्टेप डाउन यूज़ कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ एक लगा के, मतलब यहाँ एक डायोड लगा के डीसी कन्वर्ट कर दूंगा, या फिर मुझे अगर पोटेंशियल बढ़ा के चाहिए तो मैं यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगना दिया। अब ये 240 वोल्ट को सपोज 500 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद इसमें से पास हुआ आपका डायोड में से, फिर यहाँ पे डीसी कन्वर्ट हो गया, 500 वोल्ट वाला डीसी डलेगा। तो ये बड़ा सिंपल चीज़ है। तो इसलिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं कि हम लोग पहले ही यहाँ पे वोल्टेज को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि एक बार वो डीसी बन गया तो उसका वोल्टेज हम चेंज नहीं कर सकते, वो सेम चलते रहेगा। क्या बात है, क्लियर है? चलो, तो यहाँ पे जैसे हम हाफ वेव रेक्टिफायर देखेंगे, तो हाफ वेव रेक्टिफायर का कंस्ट्रक्शन देखो, ये बड़ा सिंपल कंस्ट्रक्शन है। अच्छा, इस टॉपिक को शुरू करने के पहले मैंने तुम्हें कुछ चीज़ें पढ़ाया था। मैंने तुम्हें क्या बोला था, फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होगा, हाँ होगा। रिवर्स बायस में करंट फ्लो होगा, तो मैंने बोला था जनरली अगर हम बात करें तो करंट नहीं फ्लो होगा, बट उसमें से थोड़ा सा करंट फ्लो होता है ना, नहीं क्या? थोड़ा सा करंट फ्लो होता है, लेकिन वो इतना कम होता है कि हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं जनरल सेंस में, ना नहीं क्या? तो हम सिंपल सी याद रखेंगे, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि फॉरवर्ड बायस है तो मानना करंट फ्लो होता है जनरली, सिंपली फॉरवर्ड बायस है तो करंट फ्लो होता है मानना, रिवर्स बायस है तो मानना कि नहीं होता है, ना नहीं क्या? वो जनरल सेंस में, लेकिन ट्रू सेंस में, इन द डीप सेंस, हाँ होता है, ना नहीं? जनरल सेंस में भाई बोलते हैं ना, अभी 1,000 रुपये तुम्हारे पास और 1 रुपये, पैसा का बात बोल दिया तो फिर बोलोगे पैसा तो मैटर करता है। तुम्हारे एक दोस्त को तुम्हें 1,000 रुपये देना है और 1 रुपये देना है, या फिर मान लो तुम्हें तुम्हारे एक दोस्त से 1,000 रुपये लेना है और एक, या फिर 1 रुपये लेना है और एक दोस्त से, तुम किसके पीछे पड़ोगे रे? 1,000 रुपये वाले के पीछे ही पड़ोगे ना, 1 रुपये वाले के पीछे तो नहीं पड़ोगे। उसी तरह सेंस है, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि रिवर्स बायस में जो करंट है बहुत ही कम आता है। तो इसका कंस्ट्रक्शन में पहला बात, यहाँ पे सोर्स क्या है हमारा, सोर्स एसी सोर्स है, तो वोल्टेज कन्वर्जन हम करने के लिए पहले ही यहाँ पे क्या लगवा देते हैं, ट्रांसफार्मर, क्योंकि एक बार ये अगर डीसी में कन्वर्ट हो गया तो फिर तो वोल्टेज कंट्रोल कन्वर्जन भूल ही जाओ। अब ये डिपेंड करता है इससे हाई करना है, अभी यह 240 है, यहाँ 500 वोल्ट का चाहिए तो स्टेप अप लगवा देंगे, अगर 240 है 40 वोल्ट का यहाँ पे चाहिए तो स्टेप डाउन लगवा देंगे। तो हम हमारे हिसाब से यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं एक डायोड, लग गया डायोड, इसको हम सीधा ऐसे कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे लगवा देते हैं हम आउटपुट लेने के लिए, आउटपुट ऐसे करके, ऐसे करके यहाँ से आउटपुट लेने के लिए यहाँ पे लगवाते हैं लोड। लोड बोलने से अपना कुछ भी, फ़ोन वगैरह कुछ भी हम यहाँ पे चार्ज करने के लिए डाल दिया, तो डाल देते हो ना, नहीं क्या? पल्ले पड़ा। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं लोड, जो कि क्या होता है, एक्सटर्नल लोड होता है, एक्सटर्नल लोड, जो कि हमें जो भी चीज़ चार्ज वार्ज करना है वो चीज़ है। ओके, अब ज़रा देखो, अभी मैंने तुम्हें जब एसी करंट पढ़ाया था मैंने क्या बोला था, एसी करंट कैसा मूव करता है, ऐसा 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 ऐसा, समझ रहे? एक सॉ को तुम घुमाओगे तो ऐसा, मतलब कुछ देरी के लिए वो आगे की ओर घूमेगा, फिर कुछ देरी के लिए पीछे की ओर, फिर आगे की ओर, फिर पीछे की ओर, मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अभी तुम बोलोगे एक कैसा हो गया, अभी देखो तुम्हारे पास अगर यहीं पे है ना, तो सामने पीछे, सामने पीछे, अभी ये अगर एक कर्व होता तो ये सामने ये पीछे, ये सामने ये पीछे, मतलब तुम जैसे ही बोलो आगे बोलो पीछे बोलो, लेकिन उसको हल्का सा कर्व कर लेते हैं क्योंकि वायर वगैरह कर्व होते, तो आगे पीछे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, डन क्या? तो अगर मैं क्लॉकवाइज लेता हूँ तो समझ जाना पॉजिटिव के लिए ले रहा हूँ आगे की ओर, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूँ तो समझ जाऊँ नेगेटिव की ओर, मतलब समझ रहे हो ना, आगे पीछे, आगे पीछे। इसी चीज़ को हम कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, आगे पीछे, आगे पीछे, पल्ले पड़ा क्या, आगे पीछे, आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, ना नहीं क्या? यही ए सी। ओके, अभी यहाँ से ए सी सप्लाई आया, लेट्स से व्हेन द ए सी सप्लाई कम्स, तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ से एसी सप्लाई आया, ये आ गई हमारे पास एसी सप्लाई, डने क्या, टी चल रहा है यहाँ पे, और ये क्या है तुम्हारा, करंट का मैग्नीट्यूड। ओके, सो यहाँ पे लिखते हैं, लेट द इनिशियल इनिशियल एसी सप्लाई कम्स इन क्लॉकवाइज, अगर ये क्लॉकवाइज में आया,
मतलब एक ऐसा घूमेगा, ऐसा घूम रहा होगा, अभी ऐसा घूम रहा है, मतलब समझ रहे हो क्या? करंट कहाँ से घूमता है? करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता है। तो ये अगर ऐसा घूम रहा है, इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है। इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है। तो ये पॉजिटिव साइड हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है, ये नेगेटिव साइड। इसका मतलब क्या है? डायोड का इस तरफ में क्या हो गया, ये नेगेटिव आ चुका है, इस तरफ पॉजिटिव। मतलब मैंने तुम्हें क्या बताया था, पी होता है AN, तो पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट है। तो ये कौन सा है? फॉरवर्ड बायस में है, डन है क्या? सो व्हेन द इनिशियल एसी सप्लाई कम्स इन क्लॉक वाइज देन द डायोड डायोड एक्ट एज फॉरवर्ड बायस एंड अलाउ करंट टू फ्लो। अभी करंट तो फ्लो करने दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ? जब इस तरह आया, एक एक ये वाला क्या फॉरवर्ड में आ गया, तो इससे करंट फ्लो करने दे दिया। अब बारी आती है इसकी, जैसे ही ये वाला आया, ये ऊपर वाला, ये वाला एंटी क्लॉक, समझो ऐसे करके घूम रहा है एंटी क्लॉक। अगर कोई चीज़ एंटी क्लॉक घूम रहा है, करंट का डायरेक्शन, अगेन देखो करंट कहाँ जाता है? पॉजिटिव से नेगेटिव। इसका मतलब क्या है? इस तरफ घूम रहा है, तो मतलब क्या है, ए एज ए नेगेटिव बिहेव कर रहा है, इस तरफ एज ए पॉजिटिव, तभी तो ऐसा करके करंट घूमेगा ना। क्या ये बात है, क्लियर है? अगर तुम अभी ध्यान दो, तो ये पी साइड क्या है, नेगेटिव से कनेक्ट है, और ये वाला पॉजिटिव से। ये क्या हो गया? पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब जाने नहीं दे रहा है, रोक रहा है, पीछे खींच रहा है। तो ये क्या हो गया? रिवर्स बायस। व्हेन द सेकेंड साइकिल ऑफ एसी, सेकेंड साइकिल ऑफ एसी कम्स देन डायोड बिहेव एज रिवर्स बायस एंड नो, असल में क्या है, स्मॉल करंट। आसान भाषा में क्या बोलोगे? नो करंट, स्मॉल इतना स्मॉल है कि हम इग्नोर कर देते हैं, एंड नो करंट इज अलाउड। समझ आए? तो यहाँ पे क्या है, करंट आता ही नहीं है, तुम बोल सकते हो स्मॉल आता है, लेकिन वो नेग्लिजिबल होता है ना। ये हुआ। अगेन जब थोड़ा देर बाद फिर से जब आता है, अगेन अगेन व्हेन द पॉजिटिव साइकिल ऑफ एसी कम्स डायोड बिहेव एज फॉरवर्ड बायस एंड अलाउ करंट एंड वाइस वर्सा। पल्ले पड़ा क्या? सिमिलरली अगेन जब ये पॉजिटिव वाला आएगा, तो फिर से फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा, यहाँ से क्या करेगा, करंट को अलाउ कर देगा। फिर से जब आ जाएगा नेगेटिव में, थोड़ा या ना के बराबर अलाउ करेगा। तो ऐसे करके हमें जो यहाँ पे कंपोनेंट मिलता है, वो हमें डीसी कंपोनेंट मिल जाता है। ये असल में डीसी नहीं है, यहाँ पे भी देखो मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस वेरी हो रहा है ना, तो ये प्योर डीसी नहीं होता है वाला, इसमें हल्का फुल्का एसी का पार्ट रह जाता है। तो इसको भी कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है, और तुम्हें पता है वो कैपेसिटर है, क्योंकि मैंने तुम्हें पढ़ाया था कैपेसिटर क्या होता है, वो एसी को अंदर से पास होने के लिए अलाउ करता है, याद है ना? रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जब पढ़ाया था, वो एसी करंट को अंदर से जाने के लिए अलाउ करता है, लेकिन डीसी को कैपेसिटर कभी अलाउ नहीं करता है ना। नहीं, तो वही वाला केस है। तो ए तुम्हें समझ आ गया होगा, ए होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। यहाँ पे दिख रहा है ना, वेव का हाफ पोर्शन को ही वो रेक्टिफाई करता है और हाफ को नहीं करता है। तो यहाँ पे एक नोट ले लेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर रेक्टिफायर ओनली कन्वर्ट्स 50% ऑफ एनर्जी इंटू डायरेक्ट करंट। पल्ले पड़ा क्या? जस्ट 50% कन्वर्जन करता है, बाकी 50% लॉस्ट कर देता है, अपना है हाफ वेव रेक्टिफायर। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फुल वेव रेक्टिफायर, जो कि इस पूरे इन सब को करेगा, ठीक है, सबको कन्वर्ट कर देगा, डन है? तो तब तक के लिए गुड बाय।